सरल है कि ये कोई भी आम आदमी समझ सकता है, और आम आदमी के अलावा आप ऐसा भी देख सकते हैं जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो भी सीख कर इसका उपचार कर सकते हैं। जो इन्होंने सीखा हुआ है बम्बई में हमारी कविता बैंड से सीखा हुआ है, और इनको मैंने पूछा कि अगर मुझे अगर गैस की प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए, तो ये भी आपको दिखाने वाले हैं कि किस ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना चाहिए और उस ऑर्गन का लोकेशन बाद में किस जगह पर है, किसका ट्रीटमेंट करना चाहिए गैस के लिए। गैस के लिए ये स्टमक है, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो रिलेट रहते हैं, तो वहाँ से हम सुजो थेरेपी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, वो छोटा होता है, पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेशन हाथ है, चाहे हार्ट हो चाहे लंग्स हो, हमारा जो हाथ है ह्यूमन बॉडी का मिनिएचर फॉर्मेशन है, तो पूरी बॉडी के ऑर्गन हार्ट के अंदर रिप्रेजेंटेड है। एक व्यक्ति को पता होना चाहिए मुझे अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट का पॉइंट कहाँ पर है। अब प्रॉब्लम कोई भी हो उसमें हार्ट की 50 तरह की मेडिकल पॉइंट से बीमारी हो सकती है, लेकिन हमारे को यहाँ पे क्या करना है, हार्ट का कॉरस्पॉन्डेंस एरिया पता करना है हाथ में कहाँ पर है, और उसके ऊपर जस्ट एक स्टिमुलेशन करना है, एक मसाज जैसी टेक्निक से उसको स्टिमुलेट करना है, बीमारी कोई भी हो उसके ऊपर इफेक्ट है। हार्ट का पॉइंट बताओ कहाँ पर है, हार्ट का, हार्ट का सिंपल अगर आप ये देखें, देखो टू लेग्स लगता नहीं लगता जैसे ह्यूमन बॉडी जैसा, हमारे कितनी है बीच के अंदर दो लेग्स है, टू लेग्स है, आजू बाजू में लटके कौन से क्या चीज़ है, आम से ये कैसा लगता है, हेड और नेक जैसा लगता है कि लगता है, ये कैसा लगता है, चेस्ट जैसा लगता है, और तो हेड नेक चेस्ट एब्डोमन लेग्स और आर्म्स पूरी बॉडी आ गई क्या। अगर आप बाहर से पूरी बॉडी जानते हैं तो चेस्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, लंग्स और हार्ट है, तो इसके अंदर लंग्स और हार्ट है। एब्डोमेन में क्या है, ऊपर के लेयर के ऊपर लीवर गॉल ब्लैडर स्टमक स्प्लीन, अगर आपको लीवर गॉल ब्लैडर स्टमक स्प्लीन से कोई बीमारी देखनी है तो उसका एरिया यहाँ पर कहाँ है पता होना चाहिए। सिंपल थोड़ी सी बॉडी की जानकारी और उसकी हाथ के अंदर इमेज लाकर उसका ट्रीटमेंट करना ये सुचित है, ये इतना सरल तरीके से। इवन लेमैन हाउसवाइफ जिनकी कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी की साइंस की एनाटॉमी की नॉलेज नहीं हो, वो भी इसको सीखकर इसका फायदा उठा सकते हैं। दिस इज अ पावर, देयर इज अ पीपल हु आर अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट बिकॉज माइट बी सम आइडिया, सम ऑफ द देयर इन द थॉट्स इज नॉट फिट, माइट बी सम देयर benefit is not come from the this one because everyone following. I wanted to be different. How to functioning, how to make success of your idea. Like you are bringing your baby, you need to take care. Professor Park Jae Woo, South Korean scientist. It is a resins in the 1987. Right now, in the worldwide practice, it is a practice around the 14 countries. This time, we are organizing SIC 2019, which is in the Mumbai. We are inviting about the 11 countries people in the foreign doctors. And then we are around 1,000 participation of the and the Sujo practitioners. We are discuss of the new method of the Sujo as well as some philosophy about the Taoism. And this time February in the 2nd and 3rd we are doing in the Sujo conference. And then contents and then speaker is like that. It's a one doctor from the Israel and then Russia and then in the Korea and then Indian. And then those things that we are in the discuss of modern medicine, some of the stress related about the physical problem as well as the immunity problem and the kind of thing. As well as we are introduced of the new method of the Sujo as well. So we hope our organization could deliver enough knowledge and the message to the people.
Actually, our organization is working in India in the since 1990s. As well as every year, we're having a 900 free treatment camp and then free teaching purpose. And this time, after SIC finish it, we are in the working on the two mega treatment camp. In the 70 foreign doctors, as well as 100 Indian practitioners. One place in the Nagpur, we are in the around 150-170 practitioners are giving a free treatment camp. Second one is in the Delhi. Is a Nagpur, we are taking 8, 9, 10s. In the Delhi, we're going to taking 13th, 14th of the February. So you come and then experience of the power of the Sujo. What about Mumbai? Mumbai is a, we are taking about the, this is a, about SIC in the during and the second, the third of the February. You can come and then taking the enough knowledge and there's some amazing that result of the during in your hand. See, in the, there is a lot of the disease, a lot of the, in the problem, but among them, how many the disease we can in the solve in our hand? Sujog is the method, the very simple method. In the just the taking the few seconds, a few minutes, you can find the solution. There is a lot of disease and illness, but in the lot of disease and illness coming with the symptom. This symptom is can be in the dissolve and then the solution, find the solution in your hand by the simple point which you can find out. Sujog has a, this much of the knowledge. You can come and learn and then enjoy your life without the less struggling of the pain and then in the problem. Thank you very much. मेरा नाम अशोक उठाई है और मैं इंटरनल सुजोग एसोसिएशन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सुजोग थेरेपी की जो हम SIC 2019 जो मुंबई में आयोजित कर रहे हैं, ये प्रैक्टिशनर एज वेल एज कॉमन पर्सन दोनों के लिए यूजफुल है. जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर पार्टिसिपेट करेंगे, वो कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट लेके जाने वाले हैं. सुजोग थेरेपी एक वैकल्पिक चिकित्सा का ऐसा ड्रगलेस मेथड है जिससे व्यक्ति खुद का स्वयं का ट्रीटमेंट खुद कर सकता है. डे टू डे लाइफ की बीमारी हो, इमरजेंसी कंडीशन हो, और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो मैं इसका इस क्लास के अंदर, इस सेमिनार के अंदर भी जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, सुजोग इन इमरजेंसी. मैंने डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम के अलावा कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट सकती है जब तुरंत हमारे पास में किसी भी तरह की चिकित्सा उपलब्ध नहीं होती है और उस वक्त पेशेंट का जीवन बचाने के लिए हमारे को कुछ करना ज़रूरी होता है. तो उस वक्त ऐसी कंडीशंस में किसी भी व्यक्ति को, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को हेमरेज हो जाए, किसी को किसी तरह की इंजरी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सुजोग द्वारा उस व्यक्ति की जान को कैसे बचाया जा सकता है, तुरंत उसको जब तक मेडिकल उपचार नहीं मिले उसका ट्रीटमेंट करने के बारे में भी इस सेमिनार के अंदर एक विस्तृत एक लेक्चर रखा गया है. सुजोग का मतलब है हाथ या पैर. सुजोग का मतलब है ट्रीटमेंट या तो हम हाथ में करते हैं या पैर में करते हैं. शरीर के किसी भी रोग का उपचार, कोई भी रोग का उपचार, ज़्यादातर लोग सुजोग को एक्यूप्रेशर से कंबाइन कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन सुजोग थेरेपी एक अपने आप में कंप्लीट चिकित्सा पद्धति है जिससे किसी भी तरह का रोगों का उपचार, जो रोग दवा से ठीक हो सकते हैं, वो सुजोग के अंदर वो रोग बिना दवा से, बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक हो सकते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेमिनार के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो प्रोफेशनल हो, चाहे नेचुरल थेरेपिस्ट हो, चाहे किसी और स्ट्रीम के मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या कॉमन मैन हो, सबके लिए ये SIC 2019 जो है वो बहुत ही उपयोगी से होने वाली है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए. थैंक यू. इंडिया इस बार भारत के अंदर अपना तीसरा इंटरनेशनल सुजोग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है. इसके अंदर तकरीबन 13-14 देश में से 1000 से ज़्यादा लोग उपस्थित रहने की अपेक्षा है. अभी तक अलग अलग देशों में से 80 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने ऑलरेडी अपना कन्फर्मेशन दे चुके हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग कंट्री में से, और भारत के अंदर से भी 400 से अधिक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गए हैं. और 2 और 3 फरवरी को होने वाले इस कॉन्फ्रेंस के अंदर विविध विषयों के ऊपर बात रखी जाएगी. एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सुजोग इन इमरजेंसी एंड डे टू डे लाइफ, मॉडर्न मेडिसिन के साथ में सुजोग का कॉम्बिनेशन, ये सारे विषयों के ऊपर अलग अलग देशों में सारे एक्सपर्ट के द्वारा बात करी जाएगी. और सुजोग के माध्यम से
स्वास्थ्य जगत को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया का मिशन कैसे अचीव किया जा सकता है, इसी मोटो के साथ ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अलावा नागपुर और दिल्ली के अंदर ये फॉरेन के अलग अलग कंट्री से आ रहे एक्सपर्ट और इंडिया में से जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा दो ट्रीटमेंट कैंप्स का आयोजन किया गया है, जिसमें नागपुर के अंदर 8-9-10 फरवरी को और दिल्ली के अंदर 13-14 फरवरी को ये कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जहां पर उनकी लोकल जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा और सुजोग के माध्यम से ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डे टू डे लाइफ की जिसको अपने आप मैनेज कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो इस चीज़ को वो कैसे कर सकते हैं, जैसे हेडेक है, स्टमक पेन है, बैकएक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सारी बहुत सारी समस्या हमें डे टू डे लाइफ में होती है। इन द मॉर्निंग वी आर हैविंग डाइजेशन प्रॉब्लम, समटाइम वी आर हैविंग अ हेडेक, समटाइम वी आर हैविंग अ स्ट्रेस, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आदमी थक जाता है, तो दीज आर द थिंग्स कैन बी मैनेज वेरी इजीली विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यू कैन डू सर्टेन थिंग्स ऑन योर हैंड्स एंड फुट्स एंड यू कैन रिलीव फ्रॉम दैट। So this is what we are going to introduce in this conference and these camps. Camps में free camp होगा या camps basically इसके अंदर we are not charging any fees. Maybe the registration fees of 50 rupees can be taken. That is just to meet the expenses. But otherwise 3 days का जो consultation होता है, that consultation and treatment will be provided free of charge. Why you choose Nagpur and Delhi? Why not? लास्ट ईयर 2017 के अंदर जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस समय पर हमने इस प्रकार के कैंप का आयोजन मुंबई में किया था, तो वी आर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग इन टू द एंटायर इंडिया एंड ग्लोबली ऑल्सो वी आर वर्किंग इन टू द 40 कंट्रीज, सो एवरी ईयर एवरी टू ईयर वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस, सो एट दैट टाइम वी आर चूजिंग द डिफरेंट सिटीज, दिस टाइम वी हैव चूजन नागपुर एंड दिल्ली बिकॉज नागपुर इज़ द हेडक्वार्टर ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन, that is why we have chosen Nagpur as a one point and Sujok is into the very high consideration by government to be recognized as a one of the treatment method in India, so we have chosen Delhi also so that we can show the impact of Sujok therapy to the important decision makers. Okay, thank you so much. Mumbai Raftar News ki khabrein pasand aane par hamare YouTube channel ko subscribe kare aur like kare।